लोकल परचेज, बाय ब्रांच, ये है क्या लोकल परचेज बाय ब्रांच? जनरली जैसे मान लेते हैं एक एक्स वाई, ये एचओ है, एचओ समझते हो ना, हेड ऑफिस। मान लेते हैं इसके ब्रांच है एक पी क्यू आर। नॉर्मली होता क्या है, ये हमारा है ब्रांच, नॉर्मली होता क्या है कि ब्रांच को जितने भी ब्रांच है ये हमेशा समान हेड ऑफिस से लेता है, ये समान हेड ऑफिस से लेता है। यानी हेड ऑफिस इसको क्या करता है, गुड्स भेज देता है और साथ के साथ इसको इंस्ट्रक्शन भी दे देता है कि भैया इस गुड्स को हमने इतने प्रॉफिट पे भेजा हुआ है। ठीक है, नॉर्मली यही होता है। लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल केसेस या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं जब हेड ऑफिस ब्रांच को बोलता है कि भाई तू खुद खरीद ले। जैसे मान लो हम आजादपुर की बात करें, मेरा एक ब्रांच है आजादपुर में सपोज करो, और आजादपुर में आपको अच्छे से पता है कि वहां सब्जी जितनी भी वेजिटेबल है या फ्रूट्स है जनरली यहां से क्या मिलेगी, वो सस्ती मिलेगी। ठीक है ना, जनरली यहां से तो सस्ती होगी। और मान लेते हैं कि मेरा काम जो है वो सपोज करो कि एक होटल है मेरा, उसके ब्रांचेस है, तो होटल में सब्जी वगैरह की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो जनरली होता क्या था, हर बार हेड ऑफिस भेजता था इसको। हेड ऑफिस पहले क्या करता था, अपने पास कहीं और से खरीदता होगा, चाहे ये भी पहले आजादपुर पे ही जाता था और आजादपुर से खरीद के पहले लाता था, और ये या तो फिर अपने लोकल एरिया जहां भी खरीदता था और फिर इसे ब्रांच को सेंड करता था। तो ऐसे सिचुएशन में क्या पाया यार, मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है यहाँ तो, और कुछ चीजें अगर इमरजेंसी में घट गई तो मैं सीधा इंस्ट्रक्शन दे दूंगा ब्रांच को कि भाई तुम ना खुद खरीद लो इसको। तो जब भी ये खुद खरीदेगा तो ब्रांच का जो स्टॉक होगा या गुड सेंट है ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा वो। तो हमको हमें इसका ट्रीटमेंट क्या करना है, जब कभी भी लोकल परचेज होगा तो उसका स्टॉक बढ़ेगा, लेकिन अब हम उसके स्टॉक को आईपी प्राइस पे ना दिखा के कॉस्ट प्राइस पे दिखाएंगे, जितने का उसने खरीदा है। अगर हेड ऑफिस जो भेजता है वो आईपी प्राइस पे ऑलरेडी भेजता है उसको, समझना बात को, ठीक है ना। तो फर्क क्या रहेगा, जब कभी भी कोई भी लोकल परचेज करेगा कोई भी ब्रांच, तो उस सिचुएशन में जो वो परचेज है वो कॉस्ट प्राइस पे दिखाया जाएगा ना कि आईपी प्राइस पे दिखाया जाएगा। लेकिन अगर ये किस में, अगर ये हमारा कौन सा सिस्टम है सर, अगर ये सिस्टम है डेटर सिस्टम, लेकिन अगर स्टॉक डेटर सिस्टम है तो उसमें आईपी पे करके दिखाएंगे, समझे बात आप। तो दो चीजें हो गई, अगर हमारा डेटर सिस्टम है तो ऐसे सिचुएशन में हम किस पे दिखाएंगे सर, कॉस्ट पे। अगर स्टॉक डेटर सिस्टम होगा तो उस सिचुएशन में हम आईपी पे लेके चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारे सामने एक इसी बेस पे एक ही क्वेश्चन है आपके बुक के अंदर, और ये भी हम कर लेते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, एक बार पढ़ते हैं, फॉर्मेट ऑलरेडी बना लिया है मैंने। कहता है यहां पे सर, प्लीज रिपीट, एक मिनट, आप देखिए सामने मैंने सिंपल कहा है कि ब्रांच, अभी मैं बता दूंगा दोबारा क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते। कहता है कि जुगनू एस्टेब्लिश रिटेल बिजनेस इन दिल्ली सेवरल ईयर एगो, बहुत पहले इसने एक बिजनेस बनाया था, सिंस ओपन अ ब्रांच शॉप एट मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। यानी एक दिल्ली है, ये तो सर एचओ है, इसके कहां मुंबई में भी, कोलकाता में भी और चेन्नई में भी, ये सब जगह पे इसका क्या है, ब्रांच है। ठीक है, सब जगह पे क्या है, ब्रांच है। ऑल परचेज एडमिनिस्ट्रेशन डन, हेड ऑफिस करेगा सब कुछ परचेज। ब्रांच आल्सो अलाउड टू परचेज लोकल स्पेशल सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस है जहां ब्रांच को हमने बोला भैया तुम खरीद सकते हो, एंड सेल बोथ कैश में और क्रेडिट में बेचेगा, बट ऑल इनवॉइस क्रेडिट सेल्स आर सेंट फ्रॉम द दिल्ली
पेमेंट फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर रिसीव, जितने भी पैसे आएंगे सब दिल्ली भेज देंगे, साफ सीधी बात है। आगे कहता है रिसीव द ब्रांच एक्सपेंस, कहता है द ब्रांच एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना कमाएगा, 50% कॉस्ट प्राइस पे। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन मुंबई ब्रांच, यानी सर हमें मुंबई ब्रांच बनाना है, ठीक है। आप ध्यान रखना हमारा ब्रांच कौन सा है, मुंबई, तीन ब्रांच में से मुंबई ब्रांच है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रांच है, अब आगे क्या कहता है नीचे, सबसे पहले हमें सारी जानकारी गिवन है, ओपनिंग स्टॉक, तो पहले हमें ये तो पता चले हम स्टॉक डेटर सिस्टम फॉलो करेंगे या डेटर सिस्टम। तो नीचे अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या कहता है कि फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड मुंबई ब्रांच फॉर 6 मंथ का डेटा गिवन है, गुड्स रिटर्न दे रखा है। नीचे कहता है प्रिपेयर ब्रांच स्टॉक अकाउंट, तो भैया स्टॉक अकाउंट के नाम से तो हमें पता चल रहा है कि ये तो स्टॉक डेटर सिस्टम हो सकता है, और ब्रांच डेटर अभी भी लग रहा है, लेकिन लास्ट में बोल दिया मुंबई ब्रांच अकाउंट। तो ये वाले लाइन से पता चला कि भाई मुंबई ब्रांच अकाउंट जो है, ब्रांच अकाउंट यहाँ पे जो स्टॉक डेटर सिस्टम है ना उसमें एडजस्टमेंट अकाउंट बनता है, कौन सा बनता है, ब्रांच एडजस्टमेंट, लेकिन यहाँ पे तो मुंबई ब्रांच बोला है। तो यहाँ पे हमें नॉर्मल डेटर सिस्टम के हिसाब से ब्रांच अकाउंट बनाना पड़ेगा, और डेटर तो हम हमेशा ही बनाते हैं, चाहे आपका स्टॉक डेटर सिस्टम हो चाहे डेटर सिस्टम हो, स्टॉक अकाउंट एक एडिशनल होगा। लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन किया था, वहां पे हमने स्टॉक अकाउंट बनाया था। तो ये हमारा पहले वाला मेथड है, तो पहले वाले मेथड में सब कुछ आ जाएगा यहाँ पे, ओपनिंग स्टॉक है ना, ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा कितने रुपए का है। अब कह रखा है कॉस्ट टू एचओ, एचओ यानी हेड ऑफिस के लिए कॉस्ट है, हेड ऑफिस बोलता है कि भैया जो भी होगा उसके हम 50% प्रॉफिट जोड़ के भेजेंगे, तो इसका मतलब भाई साहब 28,000 रुपए का कॉस्ट है, इसके अंदर 50% यानी 14,000 रुपए का प्रॉफिट ऐड करके तब जाके ओपनिंग स्टॉक बनेगा, तो कितना बन जाएगा, 42,000। समझे बात आप। आगे कहता है ओपनिंग डेटर है सर 9,000, तो डेटर यहां भी आएगा और डेटर अकाउंट में भी आएगा 9,000, और सर डेटर अकाउंट में भी लिख देता हूँ, टू बी डी लिख देता हूँ, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, बी डी 9,000, आप समझिएगा इसको, ये भी हो गया और ये भी हो गया। गुड सेंट सेलिंग प्राइस 189, तो यहाँ पे टू साइड में आ जाएगा गुड सेंट, टू साइड में आ जाएगा गुड सेंट 189 है ना। चलो जी ये भी हो गया। अब क्रेडिट और कैश सेल्स है, तो यहां पे तो रेमिटेंस आता है ना, सर एक आएगा कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स आ जाएगा यहां पे डेटर में, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स कितने हैं और कैश सेल्स है, लेकिन हमें स्टॉक अकाउंट भी बोला हुआ है, तो हम साथ के साथ स्टॉक अकाउंट का भी डेटा फिल कर लेते हैं जो मैंने बना रखा है पहले से, ये रहा स्टॉक। तो सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक 42,000, वो ऐड कर देंगे ना प्रॉफिट, इसके बाद गुड सेंट 180, अब दोनों सेल आएगा यहां भाई, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स है हमारा 1,00,000, ये तो 60 है और कितना, 1,18,000, मैं साथ के साथ लेके चल रहा हूं ताकि आसानी हो जाए, ठीक है, और तो बाद में भी बना सकते थे इसको। कहता है ट्रांसफर फ्रॉम अदर ब्रांच टू मुंबई, किसी और ब्रांच, यानी तीन ब्रांच है ना, यहां में से किसी और ब्रांच से कहां आया, मुंबई, तो मुंबई में सामान आया है, तो फिर यहां पे आ जाएगा गुड सेंट अदर ब्रांच से कितने रुपए का आया है, 12,000 का, सेम स्टॉक अकाउंट में भी आ जाएगा, आ जाएगा गुड सेंट अदर ब्रांच से 12,000, ठीक है, मैं स्टॉक को बाद में ही कर दूंगा, ठीक है, पहले ये कर लेता, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकती है स्टूडेंट। कहता है ट्रांसफर टू अदर ब्रांच फ्रॉम मुंबई, यानी मुंबई से किसी और को भेज दिया गया भैया, तो फिर मुंबई से गया है तो हमारा इधर आ जाएगा, बाय ट्रांसफर टू अदर ब्रांच,
21,000 का, समझ रहे हो कैसे कर रहे हैं हम, क्लियर है? सब आईपी पे चल रहा है। देखो ये भी बोल रहा है सेलिंग प्राइस और ये भी बोल रहा है सेलिंग प्राइस। गुड्स रिटर्न टू एचओ, तो ये भी इधर आ जाएगा, बाय गुड्स रिटर्न कितने का, 6,000। कैश फ्रॉम डेटर यहां आ जाएगा, कितने आ रहे हैं, 53,000। और दूसरा आ जाएगा यहां पे कैश 53,000। इसके बाद बैड डेट्स है तो पी एंड एल के डेबिट इधर आ जाएगा। बैड डेट्स कितने रुपए का है, 2,000। गुड्स रिटर्न बाय क्रेडिट कस्टमर टू ब्रांच, तो सेल्स रिटर्न है ये, बाय सेल्स रिटर्न कितने का है, 2,400। ब्रांच में तो आएगा नहीं ये, ठीक है ना, लेकिन वही स्टॉक डेटर सिस्टम था तो स्टॉक में आ जाता था, तो हम अभी अलग से कर लेंगे। गुड्स रिटर्न बाय क्रेडिट कस्टमर टू एचओ, डायरेक्ट एचओ को कर दिया, अब आ जाएगा ये। अगर डायरेक्ट एचओ को किया है तो बाय आपका आ जाएगा रिटर्न, कितने रुपए का रिटर्न किया एचओ को, ये देखिए। क्या डेटर माइनस होगा, बिल्कुल डेटर भी माइनस होगा, नहीं वो स्टॉक अकाउंट में आता था, क्योंकि हमारा ये स्टॉक अकाउंट थोड़ी है। जब कस्टमर रिटर्न करता था तो हम डेबिट में लिखते ही लिखते थे, ये तो हमारा एक तरीके से ब्रांच अकाउंट है, तो इसमें तो स्टॉक ऐसा देखेंगे नहीं कि स्टॉक बढ़ रहा है स्टॉक घट रहा है, ये कॉन्सेप्ट तो रहता ही नहीं है। स्टॉक अकाउंट बनाएंगे तो उसमें तो जाएगा ये दोनों साइड, ठीक है। आगे आता है, कहता है गुड्स परचेज मुंबई ब्रांच लोकल एट कॉस्ट 15,000 का, तो भैया गुड्स परचेज कर दिया लोकल परचेज 15,000, ठीक है। इसके बाद कहता है एक्सपेंस एट ब्रांच कितने का है, 7,500, तो टू 7,500। आगे कहता है क्लोजिंग स्टॉक ब्रांच पे है 45,000, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक में अलग अलग कैटेगरी है, लोकल परचेज का अलग है, सेलिंग प्राइस का अलग है। तो एक तो नॉर्मल है हमारा, कौन सा है सर, हेड ऑफिस वाला, और एक है लोकल वाला। तो हेड ऑफिस वाला कितने का है, 45,000, और लोकल वाला कितने का है, 3,000, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ दे रहा है, कहता है गुड्स अमाउंटिंग 6,000 जो हेड ऑफिस ने भेजा था वो ट्रांजिट में ही है, तो ट्रांजिट में है तो ट्रांजिट वाला भी आ जाएगा। अब मुद्दे की बात है सर, के सर जो ये ट्रांजिट में है ये क्या इस कॉस्ट में जुड़ा हुआ है, तो मान लेते हैं जुड़ा हुआ है, अगर नहीं होता तो वो एडिशनल बोलता, ठीक है ना, क्योंकि भैया कहता है गुड्स अमाउंट 6,000 एट कॉस्ट टू हेड ऑफिस इन ट्रांजिट, तो कौन से वाला ट्रांजिट में है, क्या हेड ऑफिस ने नए गुड्स भेजे थे ये 6,000 का वो ट्रांजिट में है, तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है। पहले वो कहता था कि हेड ऑफिस ने इस डेट पे गुड्स भेजा है, तो ऐसा तो कुछ बोला नहीं, तो हम मान लेंगे कि ये 6,189 में एडिट होगा, तो दोबारा से हमें 6,000 दिखाने की जरूरत नहीं है। किस पे है, अब देखो ये कहता है कॉस्ट टू एचओ, अच्छा इसको आईपी बनाना पड़ेगा फिर तो हमें, पर आईपी बनाएंगे तो हमें कितना जोड़ना होगा इसमें, 50%, यानी ये 9,000 हो जाएगा, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा, 9,000। कहता ब्रांच हेड 1 जनवरी को फर्नीचर एंड इक्विपमेंट 7,500 रुपए का था, अब हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या चल रहा है, 6 मंथ का है, जनवरी में है, तो पहले तो यहां फर्नीचर लिख ले, फर्नीचर कितने का था, 7,500। अब क्लोजिंग के लिए देख लेते हैं भैया डेप्रिसिएशन, 7,500 रुपए का 10% डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड। अब ये है 6 मंथ का, डेट चेक कर लो किससे किस मंथ का, अगर कहीं दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो हम 6 महीने का डेप लगा देंगे जनवरी मान के, नहीं ब्रांच हेड जनवरी 2020 को फर्नीचर दे रखा था 7,500 रुपए, डेप्रिसिएशन 10%, और ये सारी डिटेल हमें 6 महीने की है। ब्रांच अकाउंट कब तक बनाना है हमें,
बस इसने कह दिया द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन मुंबई ब्रांच फॉर 6 मंथ, 6 महीने का डेटा है। तो 7500 पे 10% कितने परसेंट है? नहीं हम फिर तो पूरा नहीं लगा सकते ना। हाँ नोट देंगे तो ये बनेगा 7100, चेक कर लीजिए आप वैसे तो 7125। पूरे साल का लगाए क्या लगाए? अब देखो हाफ का लगाया तब भी नोट डालूंगा मैं कि नहीं गिवन है, और फुल का लगाऊंगा तब भी नोट डालूंगा। हाँ तो लिख तो दिया, 6 महीने का है ना, 6 महीने का कैसे ऐड है? देखो 7500 इंटू में 10/100 इंटू में 6/12, तो ये 7 कितने आ गए थे? 375। ये डेप्रिसिएशन माइनस करके और फिर ये आ गया, मैं बता भी देता हूँ, 7500 माइनस 375, ठीक है। अब आगे क्या कहता है कि गुड्स परचेज लोकली वर सोल्ड 25% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। कहता है जो हमने लोकली गुड्स को खरीदा है उसको जो हम बेच रहे हैं वो 25% प्रॉफिट मार्कअप रख रहे हैं उसमें हम, और 25% किस पे? सर सेलिंग प्राइस पे, यानी कॉस्ट पे कितना हो जाएगा हमारा? 33 हो जाएगा अप्रोक्स। यानी अगर हम आईपी पे इसको कन्वर्ट करेंगे इसके अंदर हम कॉस्ट के ऊपर 33% ऐड करने वाले हैं, हम 1/3 पार्ट ऐड करेंगे, जो कि मैंने कहा ब्रांच को कभी भी हम नहीं बनाएंगे किस पे? आईपी पे, लोकल परचेज को, हम स्टॉक वाले को बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए आ जाइए, अब इसका क्या काम रह गया सर? सिर्फ लोडिंग वाला पार्ट रह गया, किस किस पे लोडिंग निकलेगा मैं टिक मार देता हूं। लोकल परचेज पे तो निकलेगा नहीं, लोकल परचेज पे नहीं निकलेगा, देख लीजिए हम। तो सबसे पहले इधर लिख लें स्टॉक रिजर्व, किस किस पे निकाल लेते हैं इधर? ट्रांसफर टू अदर, मैं एक साथ ही लिख दूंगा। इसके बाद गुड्स रिटर्न, उसके बाद सेल्स रिटर्न, और किस पे? क्लोजिंग स्टॉक यानी एचओ वाला स्टॉक, और ट्रांजिट, क्योंकि जगह बहुत सारा ले लेता है इसलिए एक ही बार ले लेते हैं। अब इसने कहा है कॉस्ट पे 50% है, तो 1/3 होगा, तो 1/3 निकाल लेते हैं सब पे, तो 21,000 पे 7,000, छ हजार पे 2,000, 400, और यहाँ अरे 400 कैसे गलत हो गया ना, 400 थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, नहीं नहीं ये ऊपर होगा ना थोड़ा ना। 7,000, 2,000, 400, 15,000, 3,000, ऐसे ही इधर निकाल लेते हैं, थोड़ा कंजस्टेड रहेगा। बाय स्टॉक रिजर्व किस किस पे निकलेगा सर? ये निकलेगा गुड सेंट, ठीक है, एक किस पे निकलेगा? अदर वाले पे निकलेगा, अदर जो ट्रांसफर किया है, एक दो और एक ओपनिंग स्टॉक पे निकलेगा ना, एक ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक पे 14,000, गुड सेंट पे 189 पे 63,000, और ट्रांसफर जो किया है 12,000 पे 3,000, करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे डेटर भी लिखना होगा हमें क्लोजिंग, ठीक है, डेटर जो कि यहाँ से निकाल लेंगे हम, चलिए यहाँ से डेटर निकाल लेते हैं, क्या 4,000 आएगा? 4 कर देता हूँ, रुको, किस पे 4,000?
ये 4000 आए। चलो ठीक है, अब चलो यहाँ पे टोटल करके सीडी निकाल लो। स्टॉक अकाउंट मैं पीछे बना के दिखा दूंगा अभी फटाफट से। 53,000, 90,000, 60,000 और ये आ गया हमारा 69, 69K माइनस 53,000 माइनस 2,000 माइनस 2,400 माइनस 1,200 बाय बैलेंस सीडी, और सीडी आ गया 10,400। चेक कर लीजिएगा, अब ये 10,400 कहाँ जाएगा, यहाँ इसका टोटल कर लेते हैं। ये आ गया 171। नहीं, 39,000, 3,000, 9,000, 57। ठीक है, इधर इसका टोटल कर लेते हैं 7,000, 2,000, 27,400। और कोई टोटल करना रह गया? नहीं रह गया, थोड़ा बस स्पेस बना लेते हैं और बस यहाँ पे टोटलिंग दिखा देते हैं। ठीक है, क्या रह गया? वो तो पीछे करेंगे हम, जो स्टॉक वाली बात कर रहे हो। 21,000, 6,000, 1,200, 354,725। चेक करो टोटल। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा? टू प्रॉफिट 42, 9,000, 45,325, ये आ गया हमारा ब्रांच। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात आपको? सर 400 कैसे आया? ये जो 400 आया ना, वो आया किसके ऊपर? हमने इसके ऊपर निकाला, रिटर्न के ऊपर, यानी 1200 का 1/3, 33.333%। सर 4000 कैसे आया? 4000 ये वाला 4000, इसका भी बता देते हैं। देखो 4000 हमने ये 12,000 का ट्रांसफर किया था, तो 12,000 का 1/3 जो हमने लोडिंग वाला पार्ट निकाल दिया। जया का हो गया सर, इसमें रास्ते में भी आया व्हाट इज द ट्रांजिट? ट्रांजिट मतलब अभी गुड्स रास्ते में है, जवाब दिया पवन ने, और अभी नहीं आया है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अब क्या बोला गया, आप साथ के साथ में स्टॉक अकाउंट भी बनाइए। तो भैया स्टॉक अकाउंट बना देते हैं, देखो फटाफट। एक ही आ गया था, और क्या था यहाँ पे? लोकल परचेज, कितने का खरीदा था? 15,000 का, है ना। अब इसके ऊपर हम प्रॉफिट ऐड करेंगे, कितना? 1/3, तो 1/3 कितने हो जाएंगे? 5,000, तो ये 20,000 हो जाएगा बस। और क्या आ जाएगा यहाँ से? एक तो स्टॉक में ये आ गया, ये आता है, ये आता है, ये आता है। अब एक सेल्स रिटर्न वाला पार्ट आ जाएगा, टू सेल्स रिटर्न। अब दो रिटर्न है, एक तो हमारा है सिर्फ जो ब्रांच को है, और एक दूसरे नंबर पे किसको है? हमारा एचओ को है। तो हम चेक करें तो ब्रांच को जो रिटर्न है ना, वो है हमारा 2400 और 1200। तो एक तो है 2400, और लेकिन जो हमारा हेड ऑफिस को रिटर्न है वो इधर भी आ जाएगा, जो कि डायरेक्ट हुआ है, दैट इज 1200। इसके ऊपर लोडिंग भी निकलेगा, आईपी पे है ये। ठीक है, बाय साइड में हमने किसी और को भी ट्रांसफर किया है, ट्रांसफर टू अदर, कितने का? 21,000 का। और बाय क्लोजिंग, मुझे याद है थोड़ा बहुत डिजिट तो मैं लिख लेता हूं, क्लोजिंग में क्या आएगा हमारा? एचओ वाला आ जाएगा, दैट इज 45,000
लोकल वाला है हमारा 3,000, लेकिन इसके ऊपर 1/3 ऐड हो जाएगा हमारा, तो ये 4,000 बन जाएगा आईपी पे करेंगे तो। इसके बाद ट्रांजिट, ट्रांजिट भी कितना हो गया, 9,000 हो गया। ठीक है, और कुछ रह गया क्या, चेक कर लीजिए। और तो स्टॉक में ऐसा कुछ नहीं है जो कि रह जाए, सिंपल सी बात है, लोडिंग भाई यही निकलेंगी, ऐसा तो कुछ है नहीं कि अलग निकलेगा, सेम लोडिंग रहने वाला है हमारा, है ना। बस एक लोकल परचेज का बढ़ जाएगा, है ना, इसको क्लियर लिख दूं मैं सर, 3,000 और प्लस 1/3 3,000। चलिए लोडिंग निकाल लें, स्टॉक रिजर्व किस पे होगा, सेल्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न, ट्रांसफर और क्लोजिंग स्टॉक, और ट्रांस क्लोजिंग स्टॉक में ट्रांजिट और लोकल परचेज। ठीक है, गुड्स रिटर्न जो था दैट इज हमारा कितना था, गुड्स रिटर्न देखा जाए तो 1200, तो 1200 पे कितने हो गए 400, इसके बाद कितने हैं 21,000, सब पे 1/3 लगेगा तो 21,000 पे 7,000। ट्रांसफर जो था, नहीं एक और रिटर्न रह गया है शायद, यहाँ देखना कितने, तीन रिटर्न है ना, 1, 2, 3, 6,000 वाला रह गया ना, बाय गुड्स रिटर्न 6,000, 6,000 वाले पे आ जाएगा हमारा 2,000, ये 6,000 का है तो इस वाले पॉइंट पे आ जाएगा 2,000, और ये था 21,000 7,000, क्लोजिंग स्टॉक वाले पे आ जाएगा हमारा 15,000, ट्रांजिट वाले पे आ गया था हमारा 3,000, और लोकल वाले पे आ गया 1,000। ठीक है, बाय स्टॉक रिजर्व किस किस पे आएगा, गुड सेंट पे आएगा, ओपनिंग स्टॉक पे आएगा और लोकल पे आएगा। गुड सेंट पे कितना आया था हमारा 63,000, 63 था ना, 63,000, ओपनिंग स्टॉक पे पहले से पता है 14,000, और इसके ऊपर तो हमने अलग ही कर रखा है 5,000। बस ये बनना है, यहाँ पे जो भी डिफरेंस निकलेगा वो शॉर्टेज में चला जाएगा, क्योंकि सब कुछ तो है ही है, 82,000। फिफ्टी 8,000 इधर आ जाते हैं, टोटल कर लेते हैं, हालांकि इसमें आप ना ऐसा करना, एक बार वो अकाउंट भी बना ही लेना, कौन सा, एडजस्टमेंट, तो आपका वेरीफाई भी हो जाएगा। 42,000, 189, 12,000, 20,000, 2,400, 1,200, 400, 2,000, 7,000, या गया 295, 295 माइनस कर लेते हैं, यह आ जाएगा 178, माइनस 178, माइनस 1,200, माइनस 21,000, 6,000 क्या है, कितना है ये, 6,600, 42,000, 6,600 तो हो ही नहीं सकता है, यही टू 12,000, नहीं मेरा तो यही ज्यादा आ रहा है, यही आ रहा है 295, कितनी है,
एक पांच इसको लोकल पर टेस्टिंग किया है और ये 400 दिखाया है, 2000 दिखाया है, ना 15000 दिखाया है, 15000 दिखाया है बस, और 3-5 लाख दिखाया है, पर इतना ही काफी वो ड्रेसिंग के लिए। इधर देखो स्टॉक रिजर्व, ये देखो चेक करो, दिखाना एक बार क्या कह रहा है। अरे 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 अरे, दिमाग से स्किप हो गया, एक पॉइंट दिमाग में स्किप हो गया। स्टॉक अकाउंट में थोड़ी हम लोडिंग निकालते हैं, लोडिंग तो हम एडजस्टमेंट में निकाल देते हैं ना। मैंने यहां निकाल दिया सारा लोडिंग, याद आया, इसमें तो लोडिंग ही निकलता ही नहीं, दिमाग से ही निकल गया ब्रांच करते करते। लोडिंग किसमें निकलता है सारा, आपको याद होगा एडजस्टमेंट में निकालते थे वो तो लोडिंग, यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ आईपी पे रहता था, अब आ जाएगा ये, ठीक है, इसलिए फर्क दिख रहा होगा। चलो 42,000, टू सिक्सटी सिक्स, 600। मैंने क्या कहा समझे आप? क्योंकि जो स्टॉक अकाउंट बनाते हैं ना, तो इसके ऊपर जो भी लोडिंग होता है वो इसके अंदर नहीं हम ट्रांसफर करते, वो जो हम ब्रांच एडजस्टमेंट ट्रेडिंग में भेजते थे, और जो ब्रांच अकाउंट होता है उसमें उसी अकाउंट में आ जाता है। -178, 1200, 21,000, तो यहाँ पे ना 8400 रुपये आ रहा है, जिसको हम बाय शॉर्टेज लिखेंगे 8400, 2400 कुछ और पॉइंट मैंने माइनस करना तो नहीं भूल गया मैं, 2666, 178, वही मैं देख रहा हूँ, हाँ 2400 आ रहा है, 6000 में माइनस करना भूल गया टोटलिंग में, कितने हो गए 2400। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा, ये कौन सा था सर? लोकल परचेज। लोकल परचेज के अंदर आपने देखा कुछ नया नहीं है। अब इसमें आपको दोनों पार्ट पता चल गया होगा, देखो यहाँ पे मैंने आईपी पे ले लिया था ये, और ये भी आईपी पे ले लिया मैंने डायरेक्ट, लेकिन वही स्टॉक वाले ब्रांच अकाउंट के अंदर हमने सिर्फ किस पे रखा था, इसको कॉस्ट पे रखा था, ठीक है।